एक अच्छी वीडियो को बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है एक अच्छे एडिटर वाले एप्लीकेशन की। तो आप अपनी वीडियो को कैसे एडिट कर सकते हैं या आप अपनी वीडियो को कैसे बना सकते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। मैं आपको सारी जानकारी फुल डिटेल में दूंगा, तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखते रहिए, आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा, आप सब कुछ जान सकते हो, आप सब कुछ सीख सकते हो। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए गाइज, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आपको अपना डाटा ऑन करना है। डाटा ऑन करने के बाद आपको अपने क्रोमो ब्राउज़र में जाना है और टाइप करना है आपको काइन मास्टर विदाउट वाटरमार्क। जैसा कि मैं सर्च कर रहा हूँ, आपको भी ऐसा ही सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर पहले लिंक पर देखने को मिल रहा होगा काइन मास्टर, लेकिन आपको इस पर टाइप नहीं करना है क्योंकि ये गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर आपको वाटरमार्क ज़रूर मिलेगा। आपको दूसरे वाले लिंक पर टाइप करना है जो कि विदाउट वाटरमार्क है। आपको इस पर टाइप करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पर एडिट टू डेस्कटॉप पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद, चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक लिंक दिख रहा होगा, आपको इस लिंक पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको ये एक वेबसाइट मिल जाएगा और वेबसाइट ओपन होते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको फिर नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको कई सारे डाउनलोड के ऑप्शंस दिखेंगे, लेकिन आपको कहीं पर भी क्लिक नहीं करना है क्योंकि वो ओल्ड वर्जन के डाउनलोड के लिंक हैं। आपको मैं जहां से बता रहा हूं वहीं से आपको डाउनलोड करना है। फिर आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको ये ब्लू कलर का डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। फिर आपसे ये कुछ अलाउ मांगेगा, यहाँ पर आपको ओके करते ही आपका वीडियो डाउनलोड शुरू हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, तो चलिए वीडियो को कट करके थोड़ा फास्ट कर देते हैं। दोस्तों, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है, तो चलिए अब अपने फोल्डर में आकर इसको इंस्टॉल करते हैं। चलिए गाइस, यहाँ से मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपने होम स्क्रीन पर आ जाना है। आपको होम स्क्रीन के आने के बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन जो दिख रहा होगा इस पर टाइप करना है। टाइप करते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो भी साइज में आपको वीडियो बनानी हो आप उस साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर यूट्यूब के लिए वीडियो बनाता हूँ तो मैं 16:9 का सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको मीडिया पर क्लिक करना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक वीडियो लेना है और वीडियो को एडिटिंग कैसे करते हैं ये मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। मैं इसके लिए एक नई वीडियो बना दूंगा। मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आप जब भी काइन मास्टर को डाउनलोड करते हो तो आपको यहाँ पर एक लोगो देखने को मिल जाता है, और आप जब अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करते हो तो यहाँ पर आपको वीडियो का लोगो शो होता है। तो इसको हटाने के लिए, इसको सही से डाउनलोड करने के लिए कैसे इसको डाउनलोड किया जाता है तो मैंने आपको फुल डिटेल में बता दी है। आप अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।